मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उत्तराखंड में धामी सरकार अपने चौथे गियर में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब करीब है, लिहाजा सारे मंत्री अब ताबड़तोड़ योजनाओं को अमली जमात पहना रहे हैं, धरातल पर उतार रहे हैं। हमने पहले बात की थी सतपाल महाराज जी से, पर्यटन मंत्री से, अब हम पहुंचे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, बहुत सीनियर हैं और तमाम योजनाओं के साथ रोजगार और तमाम अलग अलग लोगों को रोजगार देने से जोड़ रही हैं। मैडम, जिस तरह से हम बात करें, दो चार महीने ही बचे हैं अब आपकी सरकार को, चार साल जो आपने रफ्तार दी थी काम को, सरकारें आई आपकी लेकिन आला कमान बदल गए, कप्तान बदल गए, टीम वही रही, जिम्मेदारी ज़्यादा है समय कम है? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग चार साल से लगातार जो है, चाहे वो मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, हम लोग कोशिश करते रहे कि हर प्रकार से जो है हम लोग अपने युवाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार से दोनों तरह से जोड़ा जाए, और इन चार सालों में लगातार उस दिशा में काम भी किया। चूँकि अब समय बहुत कम रह गया है और हम लोग 2022 के चुनाव में जा रहे हैं, और इसी साल में हम लोगों ने 2020 में और 2021 में कोरोना जैसी महामारी का भी सामना किया, जिसमें हमने बेरोज़गारी का दंश सबसे ज़्यादा झेला। लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ने लगातार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, या उनको ब्याज मुक्त ऋण देने के माध्यम से हो, या हमारे विभाग के माध्यम से सब्सिडी देने के माध्यम से हो, तो चाहे वो महिलाओं की दिशा में देखते हैं, चाहे वो युवाओं की दिशा में देखते हैं, तो हम लोगों ने 100% कोशिश करी है कि रोज़गार और स्वरोजगार के रूप में जो है हमारे युवाओं को और महिलाओं को मिल सके। और मैं समझती हूँ कि आज यदि मत्स्य पालन में एक समय हुआ करता जब हमारे पूरे प्रदेश में जो है हमारे मत्स्य पालक 3000 के करीब संख्या हुआ करते थे, यह संख्या मैं आपको 15-16 की बता रही हूँ, 2017 के बाद से अभी तक में ये पूरे प्रदेश भर में मत्स्य पालकों की संख्या जो है 20000 के करीब हो गई है। तो लगातार हम लोग कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, महिलाएँ हैं, वो स्वरोजगार को अपनाएँ। सरकार अपनी ओर से भी लगातार जितनी भी सरकारी नौकरियों में रिक्तियाँ हैं उसकी विज्ञप्ति निकाल रही है, अध्याचन को भेजा गया है, तो लगातार प्रयास रहते हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें निश्चित रूप से इस दिशा में भी हमको सफलता मिलेगी। जब मंत्री जी, आपका फोकस रहा है लिंगानुपात पर, राज्य की रिकॉर्ड को बेहतर करना, इसके लिए आपने साइकिल चलाने से लेकर और बालिकाओं के जो जन्म है उसको लेकर कई योजनाएं बनाई, अब जल्द ही आप महालक्ष्मी किट योजना भी ला रही हैं, कितनी सफल हुई हैं आप लिंगानुपात को उत्तराखंड में बराबर करने के लिए? देखिए, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उत्तराखंड देश के ऐसे 10 राज्यों में सम्मिलित है, और जहां पर मैं समझती हूं उसका स्थान जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर है, जहां लैंगिक समानता को लेकर जो है हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। आज 1000 बालकों के ऊपर हमारे 960 बालिकाएं जो है आज विद्यमान है, और इससे पहले यदि हम देखते थे तो वो ये प्रतीत होता था कि लगभग 930 के करीब, 920 के करीब वो संख्या चली गई थी। चूँकि जब से प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तब से हम लोग इस पर और ज़्यादा फोकस हुए। हमारी सरकारी योजनाएं, चाहे वो नंदा गोरा योजना हो, जहां पर बेटी पैदा होने पे हम लोग 11000 देते हैं, उसकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए हम 51000 की धनराशि दे रहे हैं, अभी हम मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट हम लोग उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हम लोग 5000 की धनराशि दे रहे हैं, और ये कोशिश रहती है कि प्रसव भी जो है वो संस्थागत प्रसव हो सके। हम लगातार मतलब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि लैंगिक अनुपात का जो असमानता है वो खत्म हो, इसके लिए चाहे मैंने साइकिल यात्रा करी हो, इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया हो, और चाहे वो वॉल पेंटिंग के माध्यम से किया हो अथवा वो किसी नाटक नृत्य के माध्यम से उसकी प्रस्तुतिकरण रही हो, हमारी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड को 1000 बालिकाओं के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या हम लेकर आए, निरंतर उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक दिन हम ऐसा भी देखेंगे जिस दिन हम लैंगिक समानता पर खड़े होंगे। अच्छा मैडम, एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, चूंकि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को आप बड़े करीब से योजनाएं बनाकर उन पर काम कर रही हैं, आपको लगता है बढ़ती जनसंख्या देश ही नहीं प्रदेशों के लिए बड़ी चुनौती है, ऐसे में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी सरकार ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब हमारे प्रदेश में भी उस पर बात होनी चाहिए?
देखिए, निश्चित रूप से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको लेकर मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इससे संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी की समस्या अपनी जगह पर जस की तस बनी हुई है। तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि देश के संसाधनों को देखते हुए हमारी आबादी भी उसी के सापेक्ष हो, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है वो स्वागत योग्य है। हम यदि अपने उत्तराखंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए और प्रदेश हित में जो बेहतर निर्णय हो वो ज़रूर करना चाहिए। आखिरी सवाल, आपके जो साथी मंत्री जिन्होंने कहा कि मुफ्त में बिजली देंगे, उसके बाद एक बहस ही चल पड़ी पूरे प्रदेश में, एक जनता में बात होने लगी कि मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें सुविधाएं चाहिए। आपको लगता है कि मुफ्त मुफ्त की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे प्रदेश के लिए लायक नहीं है, नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के जो संसाधन है उन संसाधनों को देखते हुए सारी चीज़ें जो है, चाहे वो योजना के रूप में हो, घोषणा के रूप में हो, वो की जानी चाहिए। और हमारे प्रदेश के लोग तो बहुत स्वावलंबी हैं और मैं समझती हूँ कि ये जो फैसला, चाहे वो मुफ्त देना का हो, चाहे वो सब्सिडी पे आधारित हो या बहुत रिलैक्सेशन के ऊपर आधारित हो, ये सारा फैसला जो है सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि उनको मिलकर लेकर करना चाहिए। और जब एक मौका ऐसा आए कि हम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर सकें, चाहे उनकी बिजली की हो, शिक्षा की हो, पेयजल की हो, जब हम उस स्थिति में पहुँचे तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि हमें अपने ही उत्तराखंड वासियों को किसी चीज़ को जो है, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, यदि हम उसे मुफ्त वर्ड गलत हो सकता है लेकिन उनका अधिकार है, यदि हम स्वतः ही देते तो और अच्छा रहेगा। आखिर में एक सवाल करेंगे कि आप लड़कियों के योजनाओं को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं, एक बड़ा मुद्दा है जो देश में हमारे बढ़ रहा है लव जिहाद का, हमारे उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। स्वामी दर्शन भारती एक बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, वो प्रदेश के पहाड़ों में निकल चुके हैं, लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं पहाड़ की कि इस तरह के षड्यंत्रों से बचें। आपका क्या संदेश होगा, उत्तराखंड देवभूमि को ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि लड़कियाँ सर्वप्रथम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा विचारों की ताकत देती है और शिक्षा आपकी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। जब लड़कियां अपने आप में जब समझदार होती हैं तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि उन्होंने आगे क्या करना है, लेकिन उनका शैक्षिक होना बहुत ज़रूरी है। और ये शैक्षिक होने के बाद में वो स्वतंत्र रूप से वो ये चाहती है कि वो बौद्ध धर्म अपनाए, वो स्वतंत्र रूप से चाहती है कि वो अन्य धर्म अपनाए, यदि वो चाहती है वो किसी धर्म को ना अपनाए, ये उसका स्वनिर्णय होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। हाँ, किसी पर दबाववश किसी की मजबूरियों का आप लाभ लेते हुए या किसी को ब्लैकमेल करते हुए आप किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं या इस प्रकार के झांसों में फंसते हैं, वो गलत है। इस प्रकार की घटनाओं के लिए ज़रूर कानून बनना चाहिए। अच्छा, मिनिस्टर रेखा आर्या 2022 के चुनाव को जब जाएंगी जनता के बीच तो अपना कौन सा विजन लेके जाएंगी, क्या ऐसा काम था जो आप नहीं कर पाई क्योंकि कप्तान बदलते रहे, थोड़ी व्यवस्थाएँ बदलती रहीं? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि इन साढ़े चार सालों में हमने, यदि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के माध्यम से हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को बहुत सशक्त किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में ये पहली बार ये व्यवस्था दी गई होगी जहाँ हम अपने बच्चों को दूध, केला, अंडा आज की तारीख में हम दे रहे हैं, महिलाओं को हम पोषण दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त महिलाओं को हम सैनिटरी पैड दे रहे हैं और एक रुपये में एक पैड जो है स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना के माध्यम से जा रहा है, नंदा गौरा योजना हम लोग दे रहे हैं, महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो महिलाओं को समर्पित है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने ऐसा बहुत कुछ जो योजनाएं जो आज मैं आपके मध्य गिना रही हूँ ये समर्पण महिलाओं के साथ किया ही किया है, और ये कहा जाए कि मैं क्या नहीं कर पाई तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे विजन में कहीं अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि मैं क्या नहीं कर पाई। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे जो गृह सहायिकाओं के लिए काम करना चाहिए, जो घर में काम करने वाली मेड है, उनके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में मैं काम करना अभी भी चाह रही हूँ और आने वाले समय में भी मेरी इच्छा रहेगी कि उनके लिए ज़रूर हम कुछ ना कुछ ज़रूर काम करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कैबिनेट मिनिस्टर है रेखा आर्या हैं, उत्तराखंड में महिलाओं और बाल विकास को लेकर योजनाओं पर इनका बहुत अच्छा काम रहा है बीते चार सालों में। इन्होंने बड़े साफ दिल से ये कहा कि ये लड़कियों की इच्छा है कि वो कौन से धर्म को अपनाएं, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले वो पढ़कर काबिल हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि अपना भला और बुरा समझ सकें। हमारे साथ फिलहाल टीवी न्यूज़ वायरस में इस खास इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन इमरान और फिरोज़ आलम के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाज़त, इस भरोसे के साथ कि आप देख रहे होंगे हमारी खबरें, शेयर कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। नमस्कार। सत्य की